राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा बल्कि वही बनेगा जो हकदार होगा। सुपर 30 का ये डायलॉग और यही फिल्म का बेसिकली मूल मंत्र। अगर आप छोटे शहर से आए हैं, छोटे कस्बे से आए हैं, गरीब घर से आए हैं, संघर्षों से यहाँ तक पहुँचे हैं और अगर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं तो ये मूवी आपके लिए बनी है। सुपर 30 ऋतिक रोशन की फिल्म। विकास बहल पर हालांकि तमाम तरह के आरोप लगे लेकिन फाइनली डायरेक्टर का जो क्रेडिट था वो उनके हिस्से में आया। और ऐसे में ये बड़ा मुश्किल होता है जब बायोग्राफी फिल्म आप बनाते हैं तो उस फिल्म की कहानी में कुछ छेड़खानी कर पाना और उसको, जबकि कहानी सारे ऑडियंस को, पूरे देश को पता है अनंत कुमार की, मैथमेटिशियन अनंत कुमार जो सुपर 30 नाम की कोचिंग चलाते हैं तमाम गरीब मजलूमों को, उन्होंने IITians बनाया उसके ज़रिए, उस कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाना, क्योंकि कहानी का एंड सबको पता है, क्लाइमैक्स सबको पता है, तो उसको कैसे बनाया जाए वो होता है करेक्टराइजेशन के ज़रिए, सेट्स के ज़रिए, डायलॉग्स के ज़रिए, म्यूजिक्स के ज़रिए। और विकास बहल ने वाकई में इसमें काफ़ी कोशिश की, काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा, अगर आप एक लाइन में इस फिल्म का रिव्यू लेना चाहेंगे तो अगर आप किसी भी फील्ड में संघर्ष कर रहे हैं और आपका बूता नहीं है, आपको आपके फादर की वजह से या जाति की वजह से या घरेलू कोई भी ऐसा प्रभाव हो जिसकी वजह से फ़ायदा नहीं मिला है, तो ये मूवी आपको जाके जरूर देखनी चाहिए। इमोशनल मूवी है और इसलिए इमोशंस पे ज़्यादा जोर दिया गया, इसलिए फिल्म 154 मिनट लंबी हो गई। बात कर लेते हैं एक्टिंग की। ऋतिक रोशन ज़बरदस्त हैं हर बार की तरह। एक कमी जो वो ये करते हैं वो आमिर खान से उन्हें सीखनी चाहिए कि मूवी जब भी बनाते हैं, चाहे वो चेतन भगत की किताब पर ली गई 3 Idiots हो, आमिर ने उसमें चेंज करवाया, क्लाइमेक्स अपने हिसाब से मैनेज किया। ये फिल्म हालांकि ऋतिक रोशन ने जान लगा दी है और ऐसे किरदार में उतरने की कोशिश की जो उनकी कद काठी के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, उनकी कल्चर के हिसाब से फिट नहीं बैठता था, ऋतिक रोशन ने जान लगाई। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि क्लाइमेक्स में जो मेहनत होनी चाहिए थी, कहानी में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए था, वो टर्निंग पॉइंट्स होने चाहिए थे, उसमें थोड़ा सा कमी आती है मूवी, लेकिन वैसे देखने लायक है। सबसे बड़ी बात जो हमने की कि फिल्म की कास्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी, पंकज त्रिपाठी से लेके विजय वर्मा तक, मृणाल ठाकुर से लेके वीरेंद्र सक्सेना तक, ऋतिक रोशन के सब हेल्पिंग हैंड बने रहे। लेकिन सबसे बड़ी मदद जो मिली वो उन 30 स्टार बच्चों की जिन्हें सुपर 30 कहा गया। वो इतने गरीब दिखने नहीं चाहिए, होने भी चाहिए, इसके लिए करीब 10,000 बच्चों का ऑडिशन हुआ बिहार झारखंड के। उनमें से 30 बच्चे चुने गए। मुकेश छाबड़ा की जो कंपनी है कास्टिंग की, उसने काफ़ी मेहनत की और वाकई में इसका क्रेडिट जाना चाहिए कि बच्चों ने काफ़ी मेहनत की। और उन बच्चों के लिए आप स्पेशली बसंती नो डांस इन फ्रंट ऑफ दिस डॉग्स, वो गाना आपको वाकई में पसंद आएगा। इस फिल्म की सबसे खास बात यही है कि इसके करेक्टर्स, पंकज त्रिपाठी दमदार करेक्टर में है, मृणाल ठाकुर को बड़ा ही छोटा सा रोल मिला लेकिन असर छोड़ गई। जो उनके फादर हैं वीरेंद्र सक्सेना के, जो हैं उनके फादर के रोल में, ऋतिक रोशन के फादर के रोल में, उन्होंने दम डाल दिया बाकायदा। और इसमें उनकी डायलॉग्स ने भी मेहनत की। आदित्य श्रीवास्तव CID फ्रेम लल्लन के रोल में है, विलेन के किरदार में है, जमे हैं फुग्गा के रोल में, जो एक तरह से इनका फिल्म का एक तरह से सूत्रधार होता है, और विजय वर्मा ने फिल्म को बांधे रखा। ऐसे में तमाम सारे जो किरदार हैं बाकी भी, वो इस फिल्म को अच्छे से आगे बढ़ाते हैं। और इस फिल्म में जो डायरेक्टर की पकड़ है वो बेसिकली डायलॉग्स पे, म्यूज़िक पे, अजय अतुल का म्यूज़िक है, 3 Idiots के लेवल तक नहीं गया लेकिन म्यूज़िक, 2-3 गाने आपको काफ़ी पसंद आएंगे। और ऐसे में जब फिल्म लास्ट में पहुँचती है, कहानी सबको पता है, और ऐसे में जब बसंती नो डांस इन फ्रंट ऑफ दी डॉग्स वहाँ पहुँचते पहुँचते आप इमोशनल भी हो जाते हैं, फिल्म के साथ जुड़ते हैं, क्लाइमैक्स थोड़ा सा और मज़ेदार होता तो वाकई में फिल्म अच्छी होती। डायरेक्टर ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की कि फिल्म का सेट, फिल्म के का जो बैकग्राउंड, रामगढ़ फोर्ट का इस्तेमाल किया गया, वहाँ ये सेट लगाया गया, बनारस में कई जगह शूटिंग हुई, BHU में पहली बार शूटिंग हुई किसी फिल्म की, हिंदी फिल्म की, BHU उनको मिला। ऐसे में फिल्म और अच्छी, बेहतर हो सकती थी अगर फिल्म की मूल कहानी में थोड़े से ड्रामेटिक चेंज और लाए जाते। हालांकि ढेर सारी मेहनत विकास बहल ने की डायलॉग के लेवल पे, म्यूज़िक के लेवल पे, डायलॉग्स तमाम सारे हंसाने वाले हैं, लेकिन असली जो वजह है मूवी देखने की वो आपके लिए होनी चाहिए, वो है इंस्पिरेशन, वो है इमोशंस, वो है किसी चीज़ को पाने की आकांक्षा। और ऐसे में ये फिल्म क्रिटिक्स के लिए वाकई में बनी नहीं है, फिल्म इंस्पायर होना चाहते हैं तो इस फिल्म को जरूर देखें। हमारी तरफ से इस मूवी के लिए 3.5 स्टार हैं। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इनखबर। थैंक यू। नमस्कार। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।